नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर के आ रही है। यूपी टीएसटी पीजी परीक्षा तिथि, नया आयोग, परीक्षा जल्द, कल के धरने का बड़ा प्रभाव क्या हुआ है, क्या मांगे थी, इस पर बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। बहुत जल्द इंतजार समाप्त होगा, सीएम योगी का सख्त निर्देश जारी हो गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कल धरना हुआ था उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी, आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि सीएम योगी का सख्त निर्देश भी क्या आ चुका है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इस पर भी बड़ी अपडेट हम देने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, 18 को शामिल कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन हो। नंबर 2, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल किया जाए और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियों को तत्काल घोषित किया जाए। एलटी व प्रवक्ता जीआईसी के सभी रिक्त पदों को बिना देरी विज्ञापित किया जाए। प्रसिद्धि विद्यालयों में 2 साल में खत्म किए गए 1,39,000 पदों को बहाल किया जाए। पुलिस, तकनीकी संवर्ग, प्रसिद्धि विद्यालयों समेत अन्य विभागों में समस्त रिक्त पदों को विज्ञापित किया जाए। सभी लंबित भर्तियों को आचार संहिता लागू होने के पहले हर हाल में पूरा किया जाए। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। यदि पुलिस समेत अन्य भर्तियों में 3 वर्ष की आयु सीमा में उम्र सीमा में छूट दी जाए। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा किया जाए और सोशल व समुदाय व्यवस्था खत्म किया जाए। ये कुछ हमारे मुद्दे हैं और इसमें सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है जिससे हमारे प्रभावित हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन वो पारित हो गया। 21 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग का गजट नोटिफिकेशन हो गया। 40 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी लागू करने के लिए सूचना नहीं, ये इसको लेकर के भारी नाराजगी है। बावजूद इसके हम लोग शांतिपूर्ण उपवास आज कर रहे हैं और हमारा यहाँ और कोई कार्यक्रम इस ज्ञापन के बाद नहीं है। लोगों का आक्रोश है, बहुत ज़्यादा है शहर में। ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के अलग अलग संगठन हैं, आंदोलित हैं, वो अलग तरीके से हैं। हमारा कार्यक्रम आज शांतिपूर्ण और आगे भी जो लोकतांत्रिक तरीके से है वो रहेगा और है। पिछले दौर में गलत तरीके से हमारे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई, एनटीपीसी मामले में, अन्य मामलों में, वो उसको लेकर के लगातार हम लोग पत्राचार किए हैं और हमारा युवा मंच का, संयुक्त युवा मोर्चा का अभियान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, आज गांधी जयंती पर तो एक शांति और अहिंसा का एक मार्ग ही देश के लिए दिया है। तो हमारा यही कार्यक्रम है, प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो हमारे ज्ञापन है इनको संबंधित और इनको भेज दिया जाएगा, पीछे हो जाए, पूरा फोटो हो जाए सर के साथ। तो दोस्तों, कल के धरने का बहुत बड़ा असर हुआ है और आपको बता दें कि अक्टूबर माह में आपके सदस्यों की नियुक्ति और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व आने जा रहा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब मांगा अधिकारियों से कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको रिक्तियों का पूरा ब्यौरा देना है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले जितनी भी रिक्तियां हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उनको कराना है। तो सबसे पहले आपका अपना पीएस क्लासेस आपको बता रहा है, सबसे पहले आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। अक्टूबर माह में आने जा रहा है आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी भाई बहनों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।